इंडिया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज चैनल, जनता की आवाज आपके साथ। देखते रहिए दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चलते हैं ताजा खबरों की ओर। डीसा में मुस्लिम युवाओं द्वारा फूड वितरण किया गया। सारे भारत में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और लोग दिन प्रतिदिन लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं। इसलिए गवाड़ी विस्तार में जब से लॉकडाउन है तब से डॉक्टर सैयद साहब के दवाखाना में यूथ कमेटी द्वारा हिंदू मुस्लिम इलाके में घर घर जाकर फूड वितरण किया गया और नगर पालिका के कारपोरेटर सुहास सैयद की आगेवानी में अब्दुल रजाक सरफराज गठियावाड़ी अजीम पिपरानी पप्पू शेख तौफीक मंसूरी इदरीस गंजीपुरा मुन्ना भाई पठान सब मिलकर कार्य कर रहे हैं और इस काम में सैयद साहब मोहम्मद अली बाबा और कॉरपोरेटर पीरवीर भाई माली की सूचना से सब जोश में आ गए। आनंद ठक्कर की रिपोर्ट, डीसा गुजरात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉकडाउन के बाद जैसा कि पूरे हिंदुस्तान की जो दशा है और जो हालात हैं, जिन हालात से लोग गुजर रहे हैं, कारोबार बंद है, नौकरी पर लोग अपने घर बैठे हैं और ज़्यादातर 80% तबका वो है जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए सोहेल सैयद और परवीन भाई माली और हम तमाम ही हजरात ने मिल करके ये बेड़ा उठाया कि दोनों टाइम रोज़ाना ऐसे लोगों के घर अनाज पहुंचाया जाए, चाहे वो पैकेज की शक्ल में हो, चाहे यहाँ आकर के लोग खा करके जाएं। इसमें डीसा समाज में ख़ास तौर पर प्रवीण भाई माली की सरपरस्ती में ये काम हम अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा भी हमारी ओर से लोगों तक दूध पहुंचाया जा रहा है, सब्जियाँ पहुँचाई जा रही है और जिस कदर भी हमसे मुमकिन बन पड़ रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे गरीब मिस्कीन बेवा और ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाएं और उनका पेट भरें और यही हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। और ख़ास बात इसमें यह है कि खाना देने में और इन तमाम कामों में हम बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत यानी किसी भी मज़हब जाति बिरादरी का भेदभाव किए बग़ैर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, अगर वो भूखा है तो हम उसका पेट भरकर इंसानियत की खिदमत कर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि सब इंसान है, भूख का कोई मज़हब